हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बालाजी फैशन बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम आपको 7 से 8 साल की बच्ची की नाइट सूट सिलना सिखाएंगे। पहले मैं इसकी कटिंग करूंगा और फिर उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाइट सूट का नाप जान लेते हैं। ये बच्ची की नाप है, 7 से 8 साल की बच्ची है। इसकी लंबाई जो है शर्ट की जो है वो 29 इंच है, चेस्ट है 31 इंच। 4 इंच की लूजिंग डालेंगे तो 35 इंच हो जाएगा। 4 इंच की लूजिंग इसलिए डाली है क्योंकि नाइट सूट थोड़ा लूज़ ही रहता है। अदरवाइज़ अगर आपको ये थोड़ा फिटिंग में चाहिए तो इसमें 3 या 2 इंच की लूजिंग डाल सकते हैं। कमर 31 इंच, 4 इंच की लूजिंग, 35 इंच इसकी कमर हो गई है। हिप 32 इंच है, 4 इंच की लूजिंग, हिप 36 हो गई। आस्तीन 19 इंच है, 9 इसकी मोरी है। तीरा जो है वो 13 इंच का है। और पजामे की नाप हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इसका नाइट सूट काट लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है, फैब्रिक है, ये 2 मीटर का फैब्रिक है। ये 2 मीटर का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका अरज जो है वो 1.5 मीटर का है। तो ये जो किनारी वाली साइड है, किनारी वाली साइड जो है इसकी तरफ से हम मोड़ लेंगे। दोनों किनारी साइड है। करना क्या है हमें, सबसे पहले फ्रंट का पल्ला काटेंगे। इसमें हम 1 इंच इसमें हम इधर से निशान लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने 1 इंच का निशान लगा लिया है। हम फुटे की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सीधा कर लिया है। अब हमें जो फिटिंग के निशान लगाने हैं वो इस निशान से इधर लगाएंगे। इधर का हम कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसमें जो ऊपर ये सीधा कर लेंगे बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई देखनी है। लंबाई हमारी है 29 इंच। तो 29 इंच के लिए हमें क्या करना है, 29 इंच के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। वो क्यों, क्योंकि आधा इंच तो हमारा ऊपर जुड़ जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे मुड़ने में जाएगा। इसको भी फुटे की मदद से सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने सीधा कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान लगाने के लिए क्या करेंगे, तीरा जो मेरा मेजरमेंट है वो 13 इंच है। 13 का आधा कितना हुआ, 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हम इसमें निशान लगा लेंगे। जितना तीरा है उतना ही रखना है। और हम नीचे को इसमें 7.5 पे निशान लगाएंगे। 6.5 से 3 सूत फालतू रख लेंगे हम इसको, और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे और इसको भी बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये हमारे चेस्ट का निशान हो गया। अब हमें कमर का नाप लगाना है। कमर का नाप लगाएंगे हम 14 इंच पर, और ये हमारी नीचे है ही। इस कमर के निशान को भी सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी चेस्ट जो थी वो 35 इंच थी। तो 35 का चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, 9.5 इंच। 9.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। कमर जो है वो भी 35 इंच है, 9.5 इंच ये भी निशान लगाएंगे। और जो हिप है वो है 36 इंच। तो एक हिप के लिए लगाएंगे हम 9 इंच पर निशान। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीधा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो बच्ची है और उसका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सीधा सीधा सा है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं है। अब इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे साइड साइड से, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम मुड्ढे का निशान लगाना है। मुड्ढे का निशान लगाने के लिए क्या करेंगे, हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें हम 1 इंच ऐसे कट लगाएं 1 इंच पर, और इसी कट पर हम इसको हल्का हल्का सा घुमा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कट आ गया। इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें हाला कटेगा क्योंकि इसमें हम कोट कॉलर की टाइप से ये सूट बनाएंगे। तो क्या करना है, इसका जो है इसका जो वो ब्रॉड जो लेंगे हम 2.5 इंच लेंगे क्योंकि ये छोटी बच्ची है। अगर आप बड़ा नाइट सूट बनाना चाहते हैं तो हम इसमें 3 इंच लेंगे। फिलहाल मैं इसमें 2.5 इंच लूँगा, और जो नीचे को लेना है वो लेंगे हम 4 इंच। ओके फ्रेंड्स, इसका बॉक्स बना लेंगे इस टाइप से। ये मैंने लिया था 2.5 इंच, इसका बॉक्स बना लेंगे।
और इसको हल्का हल्का सा शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया। अब इसमें हम 1.5 इंच का कट लगाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। निशान लग चुके हैं। सबसे पहले हम इसका कंधा काटेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, ये जो है ये वाला निशान, हम इसको पहले ऐसे सीधा काट लेंगे और फिर इसके बाद इसका हाला काटेंगे। बहुत आराम आराम से कैंची चलानी है। और ये जो मैंने निशान लगाया था 1.5 इंच पर, इस पर कुटका लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुटका लगा दिया है हमने। अब हम मुड्ढे ही कटिंग करेंगे, ये हम मुड्ढे कटिंग कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स हमने फ्रंट के पर्दे की कटिंग कर ली है, अब मैं बैक के पल्ले की कटिंग करूंगा। ये देखिएगा, ये जो बैक का पल्ला है हमें इधर की साइड से बंद साइड से लेना है, ना कि खुले साइड से। अब क्या हमें बंद साइड से लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं फ्रंट का पल्ला इसके ऊपर रख दूंगा। अब हमें करना क्या है, जो निशान है ये वाला, इसको हमें 1 इंच निकालना है इसे बाहर, इसके साथ नहीं काटना, हमें इसे अलग काटना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने कर लिया है, ये निशान बिल्कुल इस टाइप से बाहर की तरफ आना चाहिए, ना कि अंदर की तरफ। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो बैक का पल्ला काटना है हमें, उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। इसमें निशान लगा लेंगे हम 1/2 इंच इससे, ये 1/2 इंच निशान लगा लिया हमने। और मैंने फ्रंट के पल्ले में डाउन नहीं किया था, अब दोनों करने हैं, तो इसमें 1/2 इंच डाउन कर देंगे, लगभग 1/2 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है हमें, बैक वाले पल्ले में हम इसमें 1 इंच ये डाउन करेंगे और हम इसमें भी हल्की हल्की शेप दे देंगे इस टाइप से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने इसकी कटिंग कर ली है, 1 इंच ये डाउन किया था, 1/2 इंच हमने ये डाउन किया है। अब इसमें यहाँ पर जहाँ जहाँ पर निशान लगे हुए हैं वहाँ पर कुटके लगा लेंगे। एक कुटका यहाँ लगाएंगे, एक कुटका यहाँ लगा लेंगे, एक कुटका चेस्ट पर लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक एक कुटका हम यहाँ पर लगा लेंगे जहाँ पर हमारी पट्टी मुड़नी है। ये हमने फ्रंट और बैक का पल्ला तैयार कर चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए तो फ्रेंड्स अब हम स्लीव्स की काटेंगे। स्लीव्स की लंबाई जो है वो 19 इंच है, मोरी 9 इंच है। तो सबसे पहले हम एक निशान लगा लेंगे इस टाइप से, फिर हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, फिर हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे जो स्लीव्स की लंबाई है, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लगाएंगे 1/2 इंच में जो स्लीव्स यहाँ पर दबेगी, और 1.5 इंच दबाव के लिए। इन सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, मोरी जो है हमारी 9 इंच है, तो 9 इंच का आधा हो गया 4.5 इंच, ठीक। और इसका जो मुड्ढा है वो है हमारा 13 इंच, तो हम 6.5 पर इसमें निशान लगा लेंगे यहाँ पर, और इसमें हल्की हल्की हम शेप दे देंगे स्लीव्स के लिए, और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 1.5 इंच हम इसमें दबाव देंगे ऊपर से लेके नीचे तक। फ्रेंड्स ये स्लीव्स की हमारी निशान लग चुके हैं, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स कट चुकी है, अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स का फ्रंट का हिस्सा जो है वो भी कटिंग कर लेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, इसमें हल्की हल्की शेप देंगे यहाँ पर आपको, लगभग अगर मैं बताऊँ नाप तोल के, तो कम से कम 1/2 इंच का इसमें गैप दीजिएगा, ऐसे करके हल्की हल्की शेप दे देंगे,
ये हमारा स्लीव्स का फ्रंट जो होता है, जो आगे की तरफ आस्तीन जुड़ेगी, वो हमारा कट चुका है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, हमारा स्लीव्स कट गई है, ये हमारा पूरा नाइट सूट कट चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, पजामे की कटिंग करेंगे। पजामे की कटिंग करेंगे, मैंने ये बंद हिस्सा है ये अपनी तरफ रख लिया है, खुला हिस्सा है दूसरी तरफ है, ये वाला बंद वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे से मोरी के लिए हम 1.5 इंच मोड़ने के लिए निशान लगा लेंगे और हम इसको फुटे की मदद से सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें हमारे जो पजामे की लंबाई है वो 29.5 इंच है, तो हम 29.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा 29.5 इंच पे यहाँ निशान लग गया, इसको सीधा कर देंगे हम। और ये वाला हमारा जन हमारा लास्टिक में मोड़ने के लिए आ जाएगा। ये तकरीबन आपको 2 इंच रखना है, ये पोर्शन 2 इंच रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें कमर का नाप नहीं चलता, हिप लाइन जो है वो 32 इंच है, तो 32 का जो चौथा हिस्सा होगा वो होगा 8 इंच, तो 8 इंच यानी कि 8 चौक 32, 4 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 इंच हम लूजिंग देंगे इसमें और हम यहाँ पर इसके बाद आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हम लगाएंगे इसमें 10 इंच पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने ये 10 इंच पर आसन का निशान लगा लिया है। अब हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे इस टाइप से। हमारी जो मोरी है वो 14 इंच की है, 14 इंच का आधा हो गया 7 इंच, यहाँ 7 इंच पर निशान लगा लेंगे हम। निशान लगा लिया, अब इन निशानों को मिला लेंगे हम। ये वाला निशान जो है सेफ पट्टी से लगाएंगे इस टाइप से, ये बड़ा वाला हिस्सा हमें ऊपर की तरफ रखना है, छोटा वाला हिस्सा नीचे की तरफ, और इसको हम इस टाइप से निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम हल्का सा कर्व दे देंगे, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो पजामा है कट चुका है, मैंने ये निशान से 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटा क्योंकि इसमें सिलाई में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पजामा कट चुका है, तो हमारी फुल नाइट सूट की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स हमने नाइट सूट की कटिंग कर ली है, फुल कटिंग है पजामे की भी और शर्ट की भी। इस वीडियो में आपको मैंने इसकी कटिंग करनी सिखाई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी मैं स्टिचिंग करनी सिखाऊंगा और उस वीडियो का मैं इस वाले वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।